दोस्तों, क्या अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है? क्या अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार अब मैं कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे एग्जाम की तैयारी करूँ, अब मुझे क्या अप्रोच लगानी चाहिए ताकि मैं आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही अच्छा परसेंटेज लेकर के आऊँ? तो आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि अक्टूबर से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा 2025 में 90% कैसे लाए। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और जो अब सोच रहे हैं कि यार अक्टूबर नवंबर से पढ़ करके मैं आने वाले बोर्ड एग्जाम में फोर कर रख दूं, बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाऊं, तो आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को बगैर समय को बर्बाद किए। सबसे पहली चीज आपको अब ये समझना है कि आपके पास अब अधिक समय नहीं बचा हुआ है। आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का टाइम बचा हुआ है, तो आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो अब आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। आपने पहले जितनी भी गलतियां कर ली है, जो भी आपने अपने समय को बर्बाद किया है, अब आपको वो गलती नहीं करनी है। अब आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अपने दोस्तों से बचना है, मोबाइल फोन को दूर रख देना है और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, तभी आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परसेंटेज लेकर के आ पाओगे। दूसरी चीज क्या है कि देखो, अब आपके पास समय कम बचा है तो आपको रोज पढ़ाई करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप यहां से लेकर के एक भी दिन पढ़ाई नहीं करते हो तो समझ लो कि आपका 1% कम हो गया है। तो आपको रोज पढ़ाई करनी है दोस्तों, और वो भी अच्छे से समझ करके पढ़ाई करनी है दोस्तों, क्योंकि अब आपके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या है कि देखो, एनसीईआरटी बुक पर फोकस करना है। मैं आपको ये बात हर वीडियो में बोलता हूं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, वो एनसीईआरटी बुक से आएंगे, एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, तो अदर बुक पढ़ने का क्या फायदा। और इतने कम समय में अगर कोई बुक आप कंप्लीट कर सकते हो तो वो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी दोस्तों। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, थ्योरी अच्छे से पढ़ो, वही आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा परसेंटेज दिलाएगी। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर को भी सॉल्व करना है। देखो, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को देखने से और सॉल्व करने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। जैसे ओम का नियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के साइंस में दोस्तों। इंडक्शन मोटर, मैथ में पाइथागोरस थ्योरम, ये सब 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड हर साल रिपीट करता है, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस पर फोकस करना है, आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, किन टॉपिक्स पर, किन क्वेश्चंस पर अधिक फोकस करना चाहिए। और सबसे आखिरी बात है कि दोस्तों, रिवीजन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो सिलेबस तो कंप्लीट करते हैं, वो आगे तो बढ़ते चलते हैं, लेकिन वो पीछे का रिवीजन नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसका अभी से आपको रिवीजन करते हुए चलना है। इससे फायदा क्या होगा कि इससे आपको ना एग्जाम टाइम में जब जनवरी या फरवरी में आप पर प्रेशर नहीं रहेगा कि यार मुझे रिवाइज भी करना है, मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं है। तो अपने टाइम टेबल में दोस्तों आधे से एक घंटे ऐसा निकालना जहां पर आप रोज पढ़ी हुई चीजों का रिविजन कर पाए। रिविजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना रिवाइज करोगे ना दोस्तों, आपके लिए उतनी ही चीजें आसान होती जाएगी। और एक लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आपको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, टालना नहीं कि यार कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, अगले हफ्ते से पढ़ूंगा। नहीं दोस्तों, आपके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक पल इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर मिनट में आपको प्रोडक्टिव बनाना है, अपने हर मिनट को, हर घंटे को, हर दिन को दोस्तों, और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉइंट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो तो आप निश्चित ही आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर के आओगे। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाने से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।